ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। कल की वीडियो में हमने 90 प्रश्नों को आपको हल कराया था। वो प्रश्न अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, और आगे के प्रश्न को हल करेंगे, यानी 91 नंबर प्रश्न से आज की वीडियो में हल करेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं आगामी विगत परीक्षाओं के लिए। तो प्रश्न नंबर 91 देखें कि सुश्रुत अनुसार किस वायु के कारण जठराग्नि प्रदीप्त होती है, बता दीजिए। प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा उपरोक्त सभी के कारण जो है आपका होता है, यानी घा नंबर विकल्प सही होगा। इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 92 देखें। 92 में दिया है कि सारंगधर के अनुसार पाचक पित्त का स्थान होता है, सारंगधर के अनुसार पाचक पित्त का स्थान होता है पक्वाशय मध्य में, अग्न्याशय में, पक्वाशय में, ग्रहणी में, बता दीजिए। 92 का जो है आपका खा नंबर विकल्प सही होगा, यानी कि अग्न्याशय में क्या होगा, अग्न्याशय में जो है होता है। इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिएगा। 93 देखें। पाचक पित्त की मात्रा तिल प्रमाण किस आचार्य ने मानी है, चरक, सुश्रुत, बांग्भट, सारंगधर। 93 का बता दीजिए। 93 का खा घा विकल्प सही होगा, यानी सारंगधर ने जो है इस बात को माना है। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। रंजक पित्त का स्थान आमाशय किस आचार्य ने माना है, चरक, सुश्रुत, बांग्भट, सारंगधर। 94 का देखिए, इसमें गा विकल्प सही होगा, बांग्भट, बांग्भट ने माना है। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 95 प्रश्न देखें। आचार्य बांग्भट्ट के अनुसार रंजक पित्त का स्थान क्या है, क्या है बता दीजिए। यकृत, प्लीहा, आमाशय, यकृत, फिर दिया है प्लीहा, तो क्या होगा। 95 का खा विकल्प सही होगा, यानी कि आमाशय, आमाशय में जो है होता है। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 96 देखें। साधक पित्त का स्थान होता है, साधक पित्त का स्थान होता है का नंबर विकल्प हृदय है, सिर है, नेत्र है, त्वचा है, तो इसके क्या सही होगा, इसका होगा आपका हृदय, इसका होगा हृदय। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 97 देखें। 97 में दिया है ओज एवं साधक पित्त एक ही किस आचार्य ने माना है, ओज एवं साधक पित्त एक ही किस आचार्य ने माना है। 97 किसने माना है बता दीजिए आप लोग। 97 चरक, चक्रपाणी, डालड और अरुण दत्त कौन होंगे इसमें बता दीजिए। 97 का गा विकल्प सही होगा, यही कि यह माना है। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग। 98 देखें। भेल के अनुसार बुद्धि वैश्विक आलोचक पित्त का स्थान होता है, हृदय, मूर्धा, सिंगाटक, भूमध्य। का विकल्प सही होगा, यानी कि सिंगाटक। 93 कफ का स्थान होता है, हृदय, सिर, उर, नाभि, बता दीजिए। 99 का खा विकल्प सही होगा, यानी कि सिर होता है।
क्या होता है? सिर। इसे नोट कर लीजिए। ये इसमें दिया है संधियों में स्थित कप की संज्ञा है। साधक, क्लेदक, अवलंबक, श्लेष्मक कौन होगा? इसमें होगा श्लेष्मक। श्लेष्मक यानी कि घा विकल्प सही हो जाएगा। श्लेष्मक पे टिक कर लीजिए। 100% आज हमने कंप्लीट करा दिया है। इसके आगे के प्रश्न कल के वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।